जिले के अबैदराबाद अशोक सम्राट भवन में सम्राट अशोक क्लब इकाई के तत्वाधान में झंडोत्तोलन किया गया। इस मौके पर नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी अनुपमा कुमारी ने भारत के विख्यात शासक सम्राट अशोक के जीवन पर प्रकाश डालते हुए आइए जानते हैं क्या कह रही है अनुपमा कुमारी। सम्राट अशोक जो सतत युद्ध से यानी शस्त्र से लेकर के शांति दूत तक का कार्य किया, उन्होंने बौद्ध धर्म न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में आज अपना एक विशेष स्थान रखता है। इतिहास के पन्नों पे सम्राट अशोक का नाम जब भी आएगा वो स्वर्ण अक्षरों से के साथ ही आए। आज संवैधानिक व्यवस्था में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सम्राट अशोक के उस सोच को, उनके विराट व्यक्तित्व को संवैधानिक प्रक्रियाओं और जो संविधान भारत के लिए तैयार हुआ उसमें विशेष स्थान रखा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाबा साहब सम्राट अशोक के विचारों को ही क्रमशः आगे बढ़ा रहे हैं। सिर्फ सैद्धांतिक रूप से ही नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से भी सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समाज में सहजता, सरसता, समरसता और एक रूपता लाने का जो प्रयास किया है, आज इस 74वीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम लोग भी ये प्रण लें कि से कभी हम लोग डिगे नहीं, सतत इस सकारात्मक सोच को आगे बढ़ के विकास में, चाहे सम्राट अशोक के जो स्वप्न हो या बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक अधिकारों का महत्व हो, उसके माध्यम से ही समाज में सकारात्मक और समरसता का जो हम लोग प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हम लोग भी एक संकल्प लें कि इस समरसता को फैलाने के लिए, समाज में एक रूपता लाने के लिए उनके विचारों को हमेशा सदैव आगे बढ़ाते रहें, इस मंच को और बड़ा मंच प्रदान करें, इसमें और लोगों को जोड़ें, इसके